Okay, just give me a moment's time and we're going to start. ओके okay. तो so, बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास में आ रहे थे कि हम लोग को सेप्टेम्बर एग्जाम में रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैं बहुत शॉर्ट एक आप लोग को बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए आपका जितना भी प्रिपरेशन हुआ है ना आप एग्जाम स्किप मत करिए क्योंकि ये फिर एक हैबिट बन जाता है हैबिट बनने से क्या होता है आपकी बार आपको लगेगा आपका प्रेप नहीं हुआ है फिर अगली बार आपको सेम चीज लगेगा तो मेरे को ये लगता है कि आपको ना एग्जाम हर समय देना चाहिए अभी जैसे क्या है आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आप पेपर शिफ्टिंग का भी बात बहुत लोग कर रहे हैं बट देखिए हम इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करते मतलब क्योंकि अभी से भी अगर आप देखेंगे आपके पास में फिफ्टी टू सिक्सटी डेज है आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं डिपेंडिंग ऑन दैट एंड मेरे को लगता है कि अगर एक कॉलेज स्टूडेंट है तो उसके लिए तो फिफ्टी डेज बहुत ही है चाहे वो डे का हो अगर वो डे का है तो टेन टू फाइव का होगा अगर टेन टू फाइव का आपका टाइमिंग है आप सुबह को तीन घंटा पढ़ सकते हैं रात को तीन घंटा पढ़ सकते हैं तो, वो अलग अगर कोई मेरा न, तो अभी काफी है, मतलब एक को तो बिल्कुल भी डेफर नहीं करना चाहिए स्टूडेंट के जैसे दो कैटेगरीज हो गए जिनका मॉर्निंग कॉलेज है बारह बजे वो दो, घर, दो घंटा घर आके सो जाओ एंड उसके बाद में तुम लोग एट ए स्ट्रेस तीन चार घंटा पढ़ सकते हो फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लिया एंड अगेन तुम पढ़ सकते हो तो उस उस तरीके से मतलब अगर आप देखेंगे ना तो मतलब आप आप अच्छे से कर सकते हो मतलब वो वो बहुत बड़ा चीज है एंड उसके अलावा अगर आप देखेंगे जिसका मान लेते हैं जिसका कि इवनिंग कॉलेज है तो वो सुबह में पढ़ सकता है दिन में आपको अभी छह से सात घंटा पढ़ना पड़ेगा बहुत लोग दो पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो अभी सबको लग रहा होगा कि हम एक के लिए ही रजिस्टर करते हैं बट मैं ये बोलता हूं कि अभी वो हिम्मत मत हारिय है अभी आपने जो जो पेपर सोचा है जैसे सोचा है जिस तरीके से सोचा है आप उसी तरीके से पेपर्स को प्लान करो बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपने जो सोचा है वो आपको करना है और वही वो उसी प्लानिंग की तरह आप उसी प्लानिंग से आप आगे बढ़िए तो ये सब स्ट्रैटेजीज बहुत गलत हैं कि मैं रजिस्टर करूं कि नहीं करूं ठीक है ना एंड में दो दे रहा था मैं अभी एक ही दे देता हूं वैसा मत करो जो प्लानिंग के साथ चल रहे हो उसी को करो अभी बहुत टाइम है कॉलेज स्टूडेंट्स को मेरा ये एडवाइस है कि कॉलेज स्टूडेंट के पास बहुत टाइम है जो वर्किंग है मैं उसको एडवाइस करूंगा कि प्लीज पेपर डेफर मत करो क्योंकि अगर आपका मान लेते हैं एक एवरेज सिनारियो लेते हैं आप दिन में छह घंटा सो रहे हो ठीक है आपका बारह घंटा काम है तो अट्ठारह घंटा हो गया आप तीन घंटा और निकाल दो still you are having three hours of time left from monday to friday and almost all the companies today uh, they are not keeping uh, on saturdays and sundays so on saturdays and sundays you need to pull off roughly six to seven hours of effective study तो so, अगर आप देखोगे ना तो वीकली आपका एवरेज वही बीस घंटे का निकल के आ रहा है आपको उसमें क्वालिटी स्टडीज करनी है क्वालिटी स्टडीज से मेरा मतलब ये आप लेक्चर्स देख लो लेक्चर्स आप सेल्फ पे पढ़ सकते हो सेल्फ पे पढ़ लो एंड आप रिविजन नोट सॉल्व कर लो मतलब ये ये बेसिकली एक बेसिक स्ट्रेटेजी है रिविजन नोट में भी जैसे बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चन अगर आपको नहीं करने आप मत करिए आप लास्ट दस टर्म के क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं तो दैट इज बेसिकली गोइंग टू लैंड अपू योर टू अट स्कोर ठीक है ना अभी ऐसा तो नहीं कि कोई जीरो पे खड़ा होगा बट कोई अगर जीरो पे भी खड़ा है तो भी मैं यही बोलूंगा कि प्लीज अटेम्प्ट स्किप मत करिए एक मेरा जो लास्ट दस साल का एक्सपीरियंस बोलता है प्रोफेशनल एग्जाम्स में कि फिफ्टी परसेंट बच्चे डर जाते हैं डरने से क्या होता है वो लोग अटैम्प स्किप करते हैं तो वो आपको नहीं करना है वहां आप आगे हो जाओगे सबसे आज अगर मान लो सौ में चालीस बच्चे ये सोच के एग्जाम दे ही नहीं रहे कि मेरा नहीं क्लियर होगा तो आप तो ऑलरेडी उस सिक्सटी में आ गए ना आप तो ऑलरेडी उस सिक्सटी में आ गए जो एग्जाम बैठ रहे हैं और एग्जाम का पासिंग परसेंटेज रफली है तो गिवन अभी आपके पास में बहुत टाइम है है सबसे बड़ी चीज ये है। आज एक टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी करने के लिए आज हो सकता है आपने पास्ट में कम कम पढ़ा हो तो अभी आप थोड़ा ज्यादा ज्यादा करके पढ़िए बात सिर्फ इतनी सी है अभी आप थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा करके पढ़िए आप थोड़ा लेक्चर्स करिए नाइट क्लासेस हो रहे हैं वीकेंड पे क्लासेस हो रहे हैं आप क्लासेस करिए कोई डाउट्स है कैलकाटा के स्टूडेंट सेंटर आ सकते हैं ऑनलाइन के स्टूडेंट्स के लिए हमने वन टू वन मेंटरिंग का वो किया है अभी अगस्त में जो लेटेस्ट मॉक्स आएंगे वो हम लोग लेंगे सो बेसिकली इन डेप्थ वैल्युएशन होगा आपके मॉक्स का लाइक बीइंग वेरी ऑनेस्ट हम लोग एक एक मॉक चेकिंग का देते हैं रफली फाइव हंड्रेड रुपीज टू वन थाउजेंड रुपीज हम लोग देते हैं एक एक मॉक चेकिंग का सो बेसिकली देर इज अ वेरी इन डेप्थ वैल्युएशन ऑफ द मॉक्स दैट वी आर डूइंग बट ट्रस्ट मी गाइज

एग्जाम के पहले थोड़ा आपको कॉशस रहना पड़ेगा अपने हेल्थ को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा मतलब टेक अ ब्रिस्क वॉक और डू सम काइंड ऑफ ऑफ मिनट्स एक्टिविटी ठीक है ना तो बेसिकली चीजों को एंड तक लेके जाना ही सबसे बड़ी चीज होती है ठीक है ना एंड वो एग्जाम में बैठना वो सिनेरियो में बैठना इज टोटली डिफरेंट तो वैसा अपने मन में एक डर मत पैदा कीजिए एग्जाम को लेके एग्जाम्स आर क्वाइट नॉर्मल एक्चुअल एग्जाम्स क्लियर करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है देखिए मैं बोलूंगा मतलब डिफिकल्ट है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स कर लेंगे बट चैलेंजिंग बहुत ज्यादा नहीं होता है क्योंकि अगर आप रेगुलर स्टडीज कर रहे हो लाइक अगर आप दिन में दो से तीन घंटा पढ़ रहे हो तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क चैलेंज क्या है कि एग्जाम में रजिस्टर करना मतलब बहुत लोग रजिस्टर ही नहीं करते तो वो तो तो वो वो पहले ही हार गए ना वो तो गेम से बाहर हो गए मैंने सिर्फ यही चीज सीखा है कि गेम में रहना इज कूल एंड आपको चीजों को एंड तक लेके जाना पड़ेगा मतलब मैं तो यही जानता हूं अगर मान लेते टूवर्ड्स दी एंड जाते जाते अगर मान लेते आपका सेवेंटी एटी परसेंट ही होता है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको ट्वेंटी परसेंट क्लियर करके कर, कर अच्छे से आप एग्जाम दे सकते हो एंड अगर आप पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ में कोई चीज को करोगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क अकॉर्डिंग टू यू ओनली ना आज आप ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लिए कि भाई जो एक छोटा सा टॉपिक मेरा टुवर्ड्स एंड छूट जाएगा उसी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे दैट इज अ वन ऑफ इवेंट ऐसे तो हिलने को तो धरती भी हिल सकती है तो बोलने का मतलब ये है कि आप तो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं आपने तो सी एस वन जो कर रहे हैं तो मतलब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो आप 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 एस्टिमेशन पढ़ रहे हो तो बेसिकली वायर एंड सिनेरियो जहां दस दस बच्चों में चार से पांच बच्चे क्लियर कर रहे हैं तो उन बच्चों में आप हो सकते हो एंड गिवेन अभी हमारे पास में एक डिसेंट टाइम है जहां पर हम टर्न अराउंड कर सकते हैं जो हायर लेवल पेपर्स दे रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा देखो आज एक डिसिप्लिन रूटीन अगर फॉलो नहीं होगा आज यू टेक माय एग्जांपल ठीक है ना सो so बेसिकली uh, हम लोग इतना लाइव क्लास करवाते हैं वी वी बेसिकली आर कंटिन्यूसली अपडेटिंग तो वो तो हम लोग आज भी कर रहे हैं ना मतलब तो आई आई पर्सनली फील कि एग्जाम डेफरमेंट इज ने कूल मतलब given the fact कि अगर किसी का भी जीरो आपको एग्जाम देना चाहिए ऑल द एक्चुअल basically फर्स्ट द पॉलिसी was वेरी सिंपल कि सबसे पहले मेरे को अपने स्टूडेंट्स का सिलेबस खत्म कराना है एंड वो खत्म कराने के बाद ही मैं अपना प्रेप चालू करता था तो दैट was अ strategy ऑफ my एंड जब मैं पढ़ता था तो इट वाज लाइक थ्री टू फोर आवर्स का मेरे को सॉलिड स्टडी करना है ऐसा नहीं कि पूरा दिन बस खाली किताब लेके आई एम जस्ट लिटरिंग अराउंड एंड मतलब मैं घूम रहा हूँ एंड आई आई फील कि वो सब आपको बंद करना पड़ेगा राइट एंड एंड वी नीड टू नॉर्मलाइज एग्जाम्स तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू यू शुड नॉट बी वेरी मच अफेक्टेड बाई द रिजल्ट कि भाई आपका रिजल्ट क्या आया है पास्ट में क्या हुआ है अपने आप को हावी अपने ऊपर किसी को भी हावी मत होने दो मतलब एग्जाम का जो है कि धीरे धीरे करके ना फिर वो एक फोबिया बन जाता है एंड उससे क्या होता है आप कितना भी अच्छा पढ़ लेते हो स्टिल आप एग्जाम में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हो सो so, ये सब छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखिए एंड ट्रस्ट मी ट्रस्ट एक्चुएट बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लोग और भी अभी बहुत सारे जैसे मॉक टेस्ट हो गया टू वर्ड्स दी एंड के और मैंने आप लोग सबको प्रॉमिस किए हैं कि कोई भी हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि जो क्लासेस है मान लो वो एग्जाम के एक महीना पहले बंद हो गई डेढ़ महीना पहले बंद हो गई अभी भी मेरे को मेरे को जितना मतलब मैं सारा पेपर जो है चाहे वो लोअर लेवल पेपर्स हो मिड लेवल हो हाई लेवल हो एस लेवल हो ऐसे तो जो भी हम लोग करा रहे हैं ना सब में क्लासेज आर ऑन ठीक है ना तो बेसिकली क्लासेस विल नॉट स्टॉप टिल योर एग्जाम्स तो प्लीज आप लोग एग्जाम के लिए रजिस्टर करिए इट्स अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि भाई प्लीज आप लोग एग्जाम के लिए रजिस्टर करिए दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रजिस्टर करें ये आपका एक हैबिट बन जाएगा प्लीज इस हैबिट को मत बनने दीजिए ये आप समझ नहीं पा रहे हो अगर आप एग्जाम डेफरमेंट में जाते हो ना तो आपका अल्टीमेटली वो दो से तीन साल खिंच जाता है आई हैव सीन स्टूडेंट्स कि भाई जो लोग आप ये समझ लो ना कि मतलब जो लोग बहुत अच्छे थे कॉलेज लेवल पे उनका आर्ट एग्जाम सब एक बार में क्लियर हुआ लोग दो तीन साल तक कुछ नहीं कर रहे यार मैं कभी किसी को ये नहीं बोल रहा कि भाई आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ना है बट एटलीस्ट एक एग्जाम एक दो यार मतलब डेफरमेंट इज 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 नॉट इज नॉट द राइट थिंग आज एक बात सोचो एक जो मेरे को जो मैंने जो अपने सोच में लाया है कि भाई मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो फेल हो जाता है ठीक है एंड नेक्स्ट टाइम उसके पास में सिक्स मंथस का प्रेप टाइम रहता है ठीक है मान लेते रिजल्ट तीन महीना बाद आता है तो तीन महीना तो रहता ही है राइट तो उसको तो रैंक वन लाना चाहिए बट ऐसा होता नहीं आपको वो फ्लो लाना पड़ेगा अपने पढ़ाई पे आपको डेली थोड़ा 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 करके पढ़ना पड़ेगा वही स्ट्रैटेजी काम करेगी इस कोर्स में ठीक है ना सो so, बेसिकली ये सब प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं जो हमने गिर गिर के मतलब बार बार फेल हो हो के हमने ये सब चीज सीखा है मतलब ठीक है ना तो बहुत प्रूवन स्ट्रैटेजी है बहुत बेसिक है कि प्लीज आप एग्जाम डेफर मत करो अपना एग्जाम के लिए रजिस्टर करो आप मॉक एग्जाम दोगे तो आपका वैल्यूएशन होगा कि क्या आपको आता है क्या नहीं आता है थोड़ा हल्का आप टॉपिक वाइज भी पढ़ो कि आप देखो कि लास्ट ट्रेंड्स में क्या आ रहे हैं दो क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं प्रोफेशनल एग्जाम्स बट अगर आपका अभी ऐसा है कि टाइम बहुत कम है तो एग्जाम वे से आप प्रेप कर कर, कर करो मेरे को तो ये लगता है ठीक है ना एंड उसके लिए बेसिकली क्लासेस आर मेरे को लगता है एंड जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट के क्लासेस वो अटेंड करो प्रैक्टिस हो रहा है आप वर्ड प्रैक्टिस करो आप टाइपिंग प्रैक्टिस करो आप पेपर भी अच्छे से करो लाइक आई डोंट फील दैट आप बोर्डम में आ जाओ अभी क्या हाँ ठीक है देख लेंगे दो महीना बाद अभी एनर्जी का टाइम है यार अभी तो दो महीना है अभी तो बस एकदम करना ही है एकदम करना ही है फिर आप पंद्रह दिन का पूरा प्योर ब्रेक ले लो नो प्रॉब्लम एट ऑल अब भी तो लेकिन ये मेरे को करना ही है ये अंदर से आना चाहिए यार मतलब टिकट एस चैलेंज चैलेंज यार दो महीना है एग्जाम है मेरे को क्लियर करना है मतलब तब वो चीज होगा ना ये आपके फिर काम में भी रिफ्लेक्ट होगा क्लाइंट आपके सर पे खड़ा होगा बोलोगे यार छोड़ो ना यार कब क्यों वैसा नहीं होता है तो वो है आपको टाइम बाउंड मैनर में करना पड़ेगा आपको चीजें संभालनी पड़ेंगी ठीक है ना आपको चीजें चीजें स... आपके हाथ से जब निकलती जा रही हैं एक एटीट्यूड होता है कि हाँ ठीक है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप 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 बैक हो जाओगे यार मतलब लाइफ आप, आप में बैक हो जाओगे मतलब तो इट्स बेसिकली वेरी रिसेंट प्रेप जो आप ही, आप कर सकते हो अगर कोई एकदम फ्रेश स्टार्ट भी कर रहा है और मेजर पेपर भी कर रहा है तो मेरे को लगता है कि यार स्टूडेंट है तो डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट गो है वर्किंग प्रोफेशनल है बारह घंटा तक भी अगर काम है आपका तो भी आप एग्जाम दे सकते हो ये मेरे को लगता है ठीक है ना सो दिस इज अ शॉर्ट डिस्कशन ओके एंड यस प्लीज स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया मच जो मैंने अपने प्रीवियस टॉक्स में भी बताया है कि सोशल मीडिया उतना यूज मत करिए मतलब वो क्या होता है ना फिर आपको लगता है आपको फोमो हो जाता है कि यार लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे तो मेरा तो नहीं हो रहा है तो आई पर्सनली फील कि सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज कर सकते हो एंड आप जब पढ़ रहे हो तो उस समय कोई भी डिस्टर्बेंस मत करो रूम थोड़ा बंद टाइप में कर लो एंड उस समय ये अच्छे से स्लीप होना भी बहुत जरूरी है बहुत लोग क्या करते हैं सोते नहीं उनको लगता है दैट्स कूल तो आपको स्लीप बहुत अच्छा चाहिए होता है लाइक like मिनिमम एक स्टूडेंट के लिए मेरे को लगता है फाइव आवर्स ऑफ स्लीप इज मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड ठीक है ना एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो का भी ऐसा नहीं है थोड़ा-बहुत अब करके यार कि मैं निकाल लूंगा वाले तो वो वो चीज होना चाहिए आपके अंदर में ठीक है ना नहीं तो टाइम कभी भी परफेक्ट नहीं होगा प्रोफेशनल एग्जाम्स में आपका समय कभी भी परफेक्ट नहीं होगा हो आप कभी भी परफेक्ट नहीं होगा आप हो आप हो आप हो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ वो मोमेंट कभी भी नहीं आता है आप हर बार एग्जाम लिखते हो आपको जस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको ये लगता है 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 आपकी बार तो मैं एकदम बट वो वो आता ही है। वो आता ही स्ट्रेस जैसे एग्जाम पास आता है आपका प्रेप अच्छा होने के बावजूद भी आपको स्ट्रेस आता है तो ये होता है मतलब इट्स वेरी नॉर्मल यार सबको होता है मैं इतने सारे एग्जाम्स लिख चुका हूँ फिर भी वो स्ट्रेस आता है एग्जाम के पहले ठीक है ना आप एग्जाम के तीन चार घंटा पहले से नहीं पढ़ रहे हो समझ में आता है बट अभी से आप पढ़ना छोड़ दे रहे हो वो प्लीज मत करिए ठीक है ना सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि कभी भी कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम को डेफर मत करिए ठीक है ना लाइफ में आगे बहुत कुछ है आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करोगे तब आप देखोगे लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि यार अभी भी आप एंजॉय कर सकते हो ऐसा कोई बात नहीं है बट लिमिटेड टाइम के लिए एंजॉय करो अपने टाइम पे चेक रखो कि आपका टाइम कहाँ खर्चा हो रहा है दोस्तों से बात थोड़ा कम करो अभी फॉर द नेक्स्ट टू मंथ्स कीप योर सेफ्फ बिजी विद बुक्स दैट इज इंपॉर्टेंट वॉच ऑल द क्लासेज एंड ये हेल्दी एंड स्टे हैप्पी सो बेसिकली दिस अ रिक्वेस्ट ओके कि आप लोग सबको रजिस्टर एग्जाम के लिए करना ही चाहिए ठीक है ना सो so, कौन कौन रजिस्टर करेगा एग्जाम के लिए मेरे को ये जानना है आप लोग सब रजिस्टर कर रहे हैं एग्जाम के लिए ये yes. सब लोग एग्जाम के लिए रजिस्टर कर रहे हैं यस एंड एंड आई फील दैट इट्स 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 ब्यूटीफुल टू सी दिस मतलब एंड आई फील मतलब कौन कौन एग्जाम आई आई पर्सनली फील दैट कि मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना तो आपने एक सर्विस के लिए पेमेंट किया है हमको आप चीज समझो ठीक है ना मेरा नंबर है आपके पास में अंकित सर का नंबर है शिवांगी मैम का नंबर है सो हो सकता है देखो कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं तो उसको कोई ईगो में ले रहे तो वो ले आई डोंट केयर मतलब आप चीज समझो ना मेरा एक ऐसा स्टेटस हो गया कि मैं सातों दिन काम करता हूँ ठीक है ना तो वहां पर क्या होता है वी नीड टू बेसिकली वर्क इन ऑर्डर मैनर ठीक है ना तो कोई अगर एक बार मैसेज करके मन में ये बैठा लिया है कि यार सर तो रिप्लाई ही नहीं करते वैसा नहीं है सो द पॉइंट इज दैट कि आपको राइट right जगह पे अप्रोच करना पड़ेगा आपको क्यू फोरम पे टिकट रेस करना है एंड जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आज का सेशन मैं नहीं लेता मतलब एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया कि ही और शी इज किन्फ्यूज कि एग्जाम दे आप अप्रोच करो अप्रोच का एक वे होता है कि हाँ भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है आप वन टू वन मेंटरिंग बुक करो एंड आप क्लासेस में आओगे आज क्लास में जितना भी सारा डाउट्स होता है वो हम लोग कैटा करते हैं मतलब इंडस्ट्री एक्सपर्ट के जो सेशन हो रहे हैं वो आपको करना है तो बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करना है एग्जाम के लिए एंड मेरे को ये लगता है हमने कभी भी हमारे स्टूडेंट के साथ कोई भी टाइप का बेरियर नहीं रखा है तो दैट्स अ प्लस पॉइंट हमारा जो रिलेशन है उसके ऊपर में कि यार हाँ आई एम अवेलेबल मतलब आई हैव मेड इट अ पॉइंट कि भाई एग्जाम के पहले तक भी हम लोग पूरा रहेंगे ठीक है ना एंड वी विल नॉट स्टॉप क्लासेस तो अभी दो महीना है हमारे पास में मिलके हम लोग सब कर सकते हैं तो प्लीज एग्जाम के लिए रजिस्टर करो ठीक है ना आप आप ये चीज समझ लेना कि एग्जाम के लिए आपको रजिस्टर करना है बाकी लोग क्या बोल रहे फर्क नहीं पड़ता यू नीड टू ट्रस्ट योर टीचर एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ठीक है ना आपको अपने टीचर पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा तो एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है जो सोचा था जैसे सोचा था वैसे ही होगा बट आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा तो हार्डवर्क मतलब हार्डवर्क मतलब हार्डवर्क मतलब अच्छे से मन से पूरा हार्डवर्क करना है ठीक है ना सो so, मॉक सबको देना है आप, 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 आप भी तो ले सकते थे तो मॉक सबको देना है टाइम पे देना है ठीक है ना तो हम लोग ऑगस्ट फर्स्ट वीक से मॉक चालू कर रहे हैं फर्स्ट वीक पे होगा फिर सेकंड वीक पे होगा दो ऑफिशियल मार्क्स होंगे पेपर ए पेपर बी के एंड सारे पेपर्स के होंगे बेसिकली तो बेसिकली ये सब बेसिक बेसिक चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था ठीक है ना एंड डरो मत यार मतलब मतलब मैंने तो एक आ, मतलब स्वामी जी का देखा था सेट कि तुम भगवान के अंश हो हो तुम तुम कुछ भी कर सकते तो वही माइंड रखो कि यस तुम कर सकते हो मैंने मेरे को लगता है कि कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कॉन्टेंट तो आपको कंटेंट को अपना सॉलिड करने पे ध्यान देना चाहिए जो कॉलेज का स्टूडेंट है ना मेरे को लगता है कि यार वो कुछ भी कर सकता है उसके बस अगर एक महीने का भी टाइम है ना तो वो फाड़ सकता है अभी एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास भी अभी काफी टाइम है यू नीड टू एडजस्ट दैट टाइम प्रॉपरली मतलब वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कि हाँ भाई आप रेगुलर बेसिस में थोड़ा पढ़ रहे हो घर जाते हो मेरे को समझ में आता है कि यार एकदम लगता है आप तो नहीं हो पाएगा सामने बेड दिखता होगा लगता होगा सो जाए बस एंड यू नो उस समय इतना थकावट होता है कि आप छह घंटा सो रहे हो आप आठ घंटा सो रहे हो मतलब आपको एकदम लगेगा सुबह नॉर्मली लगता है मतलब चाहे आप आठ घंटा सो चाहे आप छह घंटा सो बट यार ये टाइम है थोड़ा खटने का एंड मतलब इसको सभी लोग झेल के आगे गए हैं तो ये थोड़ा सा हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है ना दैट इज वाई समन इज देयर हु इज मैनेजिंग मोर देन मे बी थाउजेंड कंपनीज उनका फाइव थाउजेंड कंपनीज में पैसा इन्वेस्टेड है रिलायंस का मुकेश अम्मा और कोई है तो कोई एक भी ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा है तो दैट्स दैट्स हाउ यू नीड टू बेसिकली हैव टाइम हमेशा होता है हम लोग उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करते तो आपको प्रायोरिटीज अपने सेट करने पड़ेंगे जैसे एक वर्किंग प्रोफेशनल इज वेरी मूडी कि भाई उसको कोई भी कुछ भी बोल रहा है हाँ चल चल तो वो चीज आपको थोड़ा अवॉइड करना है तो ये सब बेसिक बेसिक चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे आपके पास टाइम निकल रहा है आप कम खाओ आप एटी परसेंट खाओ तो आपको थोड़ा एक्टिव एनर्जी लगेगा मेरे संग हो रहा था लाइक लास्ट मंथ में थोड़ा बाहर का बहुत ज्यादा खाने लग गया था तो क्लास लेने का एकदम इच्छा नहीं कर रहा था पूरा दिन नींद नींद लग रहा था तो अभी जैसे आई हैव कट कट इट डाउन तो मतलब ऑटोमेटिक आपको लगेगा हाँ आपके बॉडी में थोड़ा एनर्जी आ रहा है तो बेसिकली ये सब बेसिक बेसिक चीजें आप फॉलो कर सकते हैं लाइफ में ठीक है ना तो यस दैट्स इट एंड यस मतलब मेरे को लगता है कि आप बार बार पढ़िए अगर किसी का सिलेबस हो गया तो भी आप बार 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 आप खाली पढ़ो जितना बार पढ़ेंगे उतना बार आपको मतलब एक नया चीज एक नया uh, मतलब वो होगा तो दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अगेन एंड अगेन एंड अगेन ओके सो थैंक यू एंड विल कीप होस्टिंग सच सेशन प्लीज Motivate me also that yes, keep messaging me in any of the numbers in our institute that yes, please tell Sir or Ma'am or Ankit sir to basically uh, keep conducting such sessions. Okay. And I have told my elder brother also, Vivek sir, also he's he's very expert in basically guidance and mentoring. So he'll also be taking a session on how basically you can effectively crack professional exams. So we will be keeping such sessions. So yes, thank you all of you. Okay. Thank you for joining. Thank you.